तो आज समझने की कोशिश करेंगे क्या वीराना भी श्रापित फिल्म थी, कि इसमें एक्टिंग करने के बाद इसकी जो लीड एक्ट्रेस, इसकी जो चुड़ैल थी, खूबसूरत चुड़ैल सो कॉल्ड, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग भी मेरी ही तरह भूतिया फिल्में देखने के बहुत ज्यादा शौकीन है तो बेशक आप लोगों ने रामसे ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा, और अगर आप लोग 90s की जनरेशन है तो जरूर सुना होगा, क्योंकि रामसे ने ही इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में पहली बार भूतिया सीरियल्स का कंसेप्ट लेकर आया था, जिसके बाद हम लोगों ने जी हॉरर शो, अनहोनी जैसे सीरियल्स देखे। इन्हें देख कर तो आज भी मतलब क्या क्या हो जाता था मुझे याद है, और आप लोगों को भी याद ही होगा। इन आज के इस वीडियो में हम लोग सीरियल्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि रामसे ब्रदर्स की एक कमाल की खूबसूरत चुड़ैल के बारे में बात करने वाले। सही सुना आप लोगों ने, दरअसल रामसे ब्रदर्स ने एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई थी, जिसे आजकल की जनरेशन हॉरर फिल्म नहीं कॉमेडी फिल्म बोलती है, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत ही ज्यादा डरावनी हॉरर फिल्म थी, और 90s के है ना, फिर से बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए भी वो बहुत डरावनी फिल्म रही होगी। और उस फिल्म का नाम है वीराना, और वीराना फिल्म में ही एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल थी जिसका नाम था जैस्मीन। जैस्मीन इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ना कि जब वीराना फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म और उनके अभिनय से ज्यादा उनकी खूबसूरती के चर्चे हुए थे। लोग कहने लगे थे कि पहली बार भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना ऐसी कोई लड़की को लेके आए हैं जिसे देखकर डर भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि इतनी खूबसूरत लड़की स्क्रीन पर आई है। दोस्तों जैस्मीन ने इतनी कमाल की एक्टिंग की थी, इतनी कमाल की उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी कि मैं सच बता रहा हूं, अगर आज वो इंडस्ट्री से, मुंबई से, सबकी नजरों से गायब नहीं हुई होती तो आज के टाइम की बहुत फेमस एक्ट्रेस वो रहती। सही सुना आप लोगों ने, गायब हो चुकी है। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा ना, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैस्मीन इतनी जल्दी इतनी कामयाबी के सीढ़ियों पर चढ़ गई थी तो फिर ये गायब क्यों हो गई? सोचने वाली बात है ना, ऐसी एक्ट्रेस जिसके चर्चे फिल्म से और उसकी एक्टिंग से भी ज्यादा हो रहे हैं, वो क्यों इस तरह से आंखों से ओझल हो गई? वो आज ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, ना ही किसी अखबार में, ना ही किसी मीडिया चैनल में उनके चर्चे हैं, ना ही कभी उन्हें किसी ने देखा है, यहां तक कि उनका असली नाम भी किसी को नहीं पता। लोग यही सोचते हैं कि फिल्म में जैस्मीन नाम था तो असल में भी उनका नाम जैस्मीन ही होगा। आज हम इनके बारे में थोड़ा समझने चाहेंगे कि क्या कोई वीराना फिल्म का श्राप था, क्योंकि मैं तो आप लोगों को बताते रहता हूँ और बहुत सारे लोग बताते रहते हैं ना कि जो भूतिया फिल्म के सेट होते हैं और भूतिया फिल्म्स जो होती है वो श्रापित हो जाती है, और उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ अजीब अजीब सी दुर्घटनाएं हो जाती है और इसी तरह से वो लोग गायब हो जाते हैं। तो आज समझने की कोशिश करेंगे क्या वीराना भी श्रापित फिल्म थी, कि इसमें एक्टिंग करने के बाद इसकी जो लीड एक्ट्रेस, इसकी जो चुड़ैल थी, खूबसूरत चुड़ैल सो कॉल्ड, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। दोस्तों दरअसल जैस्मीन ने वीराना से पहले दो फिल्में और की थी। एक फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान जो 1979 में आई थी, और एक फिल्म का नाम था डायवोर्स जो कि 1984 में आई थी। दरअसल ये दोनों फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही थे, एनडी कोठारी, और एनडी कोठारी ने ही जैस्मीन को विजेंद्र घाटके से मिलाया था। विजेंद्र घाटके उस जमाने के अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, दरअसल डायवोर्स में वो उनके अपोजिट में थे। दरअसल विजेंद्र घाटके ने 1980 में डायवोर्स करने से पहले गेस्ट हाउस नाम की रामसे ब्रदर्स की फिल्म की थी, और फिर उन्हें पता चला था कि रामसे ब्रदर्स एक वीराना नाम की फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अभी से ही एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल की तलाश शुरू कर दी है। अब ये बात विजेंद्र घाटके के दिमाग में थी। अब जब उनकी मुलाकात डायवोर्स में जैस्मीन से हुई तो वो समझ गए कि रामसे ब्रदर्स की तलाश खत्म होने वाली है, और विजेंद्र घाटके ने जैस्मीन को रामसे ब्रदर्स से मिलवा दिया, और फिर इसके बाद एक छोटा सा ऑडिशन हुआ और जैस्मीन इनकी फिल्म के लिए फाइनल हो गई। फिल्म बनी और फिल्म में इनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा रहा ना कि आज तक कोई नहीं भूल पाया है वो खूबसूरत चुड़ैल की नीली नीली आंखें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद दो कॉन्ट्रोवर्सी निकल के सामने आई, दो कंसेप्ट आए, दो थ्योरीज आई कह लो। एक थ्योरी ये कहती है कि फिल्म की रिलीज होने के बाद जो अंडरवर्ल्ड था, सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड, जिसका बहुत ही क्लोज रिलेशन बॉलीवुड के साथ है, वहां से बुलावा आने लगा जैस्मीन के लिए। नॉन स्टॉप कॉल्स आते थे, नॉन स्टॉप धमकियां आती थी कि तुम हमारे साथ आके रहो, तुम्हें बॉलीवुड में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मंदाकिनी के साथ हुआ था। राम तेली गंगा मैली वाली,
मंदाकिनी की खूबसूरती के भी बहुत ज्यादा चर्चे हुए थे, लेकिन उसे कुछ टाइम बाद मंदाकिनी इंडस्ट्री से गायब हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद मंदाकिनी कहां दिखाई दी आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो क्या सचमुच में जैस्मिन को भी इस तरह से कॉल आए होंगे? बेशक आए होंगे, मुझे लगता है पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का रिलेशन लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं बहुत पुराना है। हमें क्या सच्चाई पता, हम तो बस आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जब उन्हें ये फिल्म के बाद बहुत ज्यादा कॉल्स आने लगे तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो इंडस्ट्री से बाहर से आई थी, सीधी साधी लड़की थी, आम जिंदगी जीने वाली लड़की थी, बड़ी मेहनत से उसने तीसरी फिल्म की थी। लेकिन ऐसे कॉल्स आने के कारण वो डर गई और उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए बॉलीवुड की चकाचौंध वाली सो कॉल्ड फेक दुनिया से अपना मुंह मोड़ लिया। और फिर उसके बाद ना ही वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आई, क्योंकि उन्हें डर था अगर मैं दिख जाऊंगी तो ना जाने किस तरह का नुकसान मुझे पहुंचा देंगे, क्योंकि वहां से धमकी आ रही थी तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर देंगे। डर गई थी वो, इसलिए ना ही किसी मीडिया चैनल के सामने आई और ना ही उन्होंने किसी न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू देने के लिए सही समझा। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अंडरवर्ल्ड के बैक टू बैक कॉल्स आने की वजह से उन्होंने एक लंदन के बिजनेसमैन से शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन में ही सेटल हो गई और कभी उन्होंने मुंबई की शक्ल भी नहीं देखी ये फिल्म रिलीज होने के बाद। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अभी जॉर्डन में रहती है और वहां पर एक डांस टीचर के तौर पर काम कर रही है। लेकिन दोस्तों 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की नहीं बल्कि रामसे ब्रदर्स में से श्याम रामसे की थी। श्याम रामसे से ये सवाल पूछा गया कि आखिर कहां चली गई आपकी वीराना फिल्म की इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस? कुछ लोग कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, कुछ लोग कहते हैं कि उनका दिवालिया निकल चुका है, सच्चाई क्या है अब आप ही बता सकते हैं। तब श्याम रामसे ने बताया कि वो कहीं और नहीं बल्कि मुंबई में ही रहती है, वो किसी के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। दरअसल ये फिल्म रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। वो अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, क्लोजनेस बहुत ज्यादा होने के कारण उनकी मॉम जब उनसे बहुत दूर गई तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और फिर इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपना नाता कंप्लीटली तोड़ लिया और ये फैसला कर लिया कि अब मैं किसी भी कंडीशन में किसी के सामने नहीं आऊंगी। एक तरीके से उन्हें पब्लिक फियर होने लगा। लेकिन उनका यह कहना है कि वो हमेशा से श्याम रामसे के टच में रही है और अब जब श्याम रामसे वीराना 2 बनाने जा रहे हैं, सही सुने आप लोगों ने, वीराना 2 बनाने जा रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि मैं जैस्मिन को पूरी दुनिया के सामने 31 या 32 इयर्स बाद फिर से लेके आऊंगा और वीराना 2 में माँ के किरदार से उनके एक्टिंग करियर को फिर से ब्रेक दूंगा। तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली और यूनिक बात है कि हम लोग शायद फिर से जैस्मिन को स्क्रीन पर देख पाएंगे। लेकिन क्या अभी भी उनका अभिनय वैसे ही होगा? जैसा भी होगा स्टार किड से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में एक्टर टाइगर श्रॉफ होंगे। भगवान बचाए इस फिल्म को। नो कमेंट्स ऑन दैट। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खैर, मुझे लगता है कि मैंने जैस्मिन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोल रहे थे कि भाई जैस्मिन वीराना फिल्म की वो चुड़ैल कहां गई, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी, और अगर मिल गई है तो एक लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। मुझे पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि आज का वीडियो तो अलग था, इन रोज वाले वीडियो मेरे बहुत ही अनोखे, रहस्यमय, डरावने और विचित्र होते हैं। भाई एक बार जुड़ के देखो, पसंद ना आए तो हट जाना, लेकिन एक बार यहाँ पर आके देखो। लोग कहते हैं कि मैं कौन से डिवाइस यूज करता हूँ अपनी शूटिंग के लिए, कुछ कुछ लोगों को पसंद आता है मेरा सेटअप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी लिस्ट बना दी हूँ, कौन सा कैमरा, कौन सा ट्राइपॉड, कौन सा लाइट, कौन सा ये, कौन सा वो, सब कुछ है। पसंद आए तो उस लिंक में क्लिक करके जाके शॉप कर लेना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कोई डिस्काउंट की गारंटी नहीं लेता क्योंकि मेरा तो दुकान है नहीं ना भाई। बैड जोक। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।